ये बनाने जा रहे हैं मटन। ये सरसों का तेल डाल रहे हैं इसमें, ज्यादा नहीं डाला, 250 ग्राम। तो ये वीडियो इसलिए बन रही है क्योंकि इनकी साली तनु ने कहा है स्पेशली कि जब लेना मटन बनाए तो उसकी रेसिपी हमें जरूर दिखाना। ये तेल अभी गर्म हो रहा है फ्रेंड, और ये है तेज पत्ता, इससे बहुत स्वाद आता है। और ये है गरम मसाला, ये अलग खड़ा खड़ा गरम मसाला, इसमें जायफल है, दालचीनी है, इलायची है, हरी इलायची है, काली इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, जीरा है, और इसमें देखिए सभी कुछ है। ये थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, अब ये सारा नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा है, इसका पीस के पेस्ट बना देंगे। तो ये देखिए तेल गरम हो रहा है, और ये है 1 kg मटन, और ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट है। खड़े मसाले डालने हैं ये, जिसमें दालचीनी है और जायफल, लौंग है, जीरा, काली मिर्च। ये देखिए ये खड़े मसाले जो हैं डाल लें। तेज पत्ता डाल दिया, तेज पत्ता भी डाल दिया। ये दालचीनी जावित्री का हमने हल्का सा पाउडर बना कर रखा है, थोड़ा तो वो हमें डाला, थोड़ा तो तन्नू देख लो कि ध्यान से जब हम लखनऊ आएंगे तो हमें बना के खिलाना। तो मसाला को जब तक भूनिए जब तक वो तेल से अलग ना हो जाए। नाम लिया और शैतान हाजिर, इनकी साली का फोन आ रहा है। अब साली को कौन बताए कि बहना बहुत बिजी है। तो शानू का फोन आ रहा है, तो शांति का फोन आ रहा है, उनकी जान का नाम ये लाई हूँ मैं, जान का नाम लेते ही। तो इनकी जान है, इनकी साली जो है आधी घर वाली, नाम बता दो। डेंजर वैसे नाम सानू है, सानू नाम है, लखनऊ में जाकर डेंजर हो गई है, हमारे पास तो सानू थी। हाँ, और मेरे पास शांति थी, हमने तो सानू को भेजा था लेकिन वहां पर जाकर डेंजर हो गई। तो ताली से कुछ कहना चाहोगे? ताली से ये कहना चाहूंगा, भेनत माने मटन दादा है, और तुम्हारे इससे कभी तुम्हारे बहना खा लेंगे, तुम टेंशन ना लेना। बेना ही खाएंगे, दीदी को नहीं खाएंगे? नहीं, दीदी को नहीं लगे, सामने वो इससे का किसी को नहीं, सिर्फ बेना का, सिर्फ बेना को, अब बेना का इससे का अभी भी लगे। अच्छा, कितनी खुश हो जाते हैं साली के नाम से। कली कली चली जाती है, कली कली है। तो जब तक मसाला भून रहा है, बन गया देखे। हाँ भाई, मसाला तेल पर छोड़ना है। ये है 1 kg मटन। तो ये मटन डाल दिया है सर, एक साथ डाल दो इसे। ये थोड़ी देर भूनने में लगनी, कितने मिनट तक भूनोगे? 5 मिनट। 5 मिनट ज्यादा नहीं होगा? तो
तो इसे मसाले मिला देंगे। तो अब इन्होंने ये ढक दिया है, अब 5 मिनट तक कह रहे हैं कि भुनेंगे। ये रहे भाई, इनके इतने नखरे, हम तो झटपट बना लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी रेसिपी कैसे सिंपल तरीके से फटाफट। इनकी पसंद जो है ना, है तो बहुत भयंकर, लेकिन ये भी एक अच्छा लगता है कि इनकी पसंद। मेरी पसंद बहुत भयंकर है और देखिए मेरी पसंद ही है ये। हाँ, तो ये अब दही डालेंगे इसमें, और दही लास्ट में पड़ेगा, तो अब ये फेट रहे हैं और इनको तो पकाना है। हाँ, ये दही मैंने घर में जमाया था पूरा लोटा भर के, कि घर का दही बहुत अच्छा होता है। तो ये इन्होंने डाल दिया दही, ये खट्टा नहीं हो जाएगा ज्यादा? दही घर का बनवाया ना, ये बहुत बढ़िया दही होगा, ये खट्टा नहीं होगा। क्या कर खाया नहीं था, कितना अच्छा था। तो ये ऐसे मिला लेंगे इसे, कलर तो बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। भाई मैंने तो इनके हाथ से खाया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो जब बन जाएगा मैं दिखाऊंगी आपको। तो सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने कहीं से सीखा नहीं है, ना कहीं से देखा है, ये सब अपने जो है दिमाग की उपज है। ये दिमाग में काफी बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत तेज दिमाग है भाई। देसी दिमाग। मोरे को देसी तो जिंदा निकाले बच्चे घर में खाने। देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मटन जो है वो रेडी है मेरे हस्बैंड के हाथ का। तो कैसा लगा आपको ये रेसिपी, देखिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का ब्लॉग, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मेरे हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।